हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चोपड़ा एजुकेशन और मैं हूँ हर्षाई चोपड़ा। दोस्तों, इंडिया में अभी तक 15 एम्स रनिंग में हैं। एम्स की इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचिंग फैसिलिटी, हॉस्टल फैसिलिटी इंडिया की बाकी मेडिकल कॉलेज से काफ़ी अच्छी है। दूसरी जो बाकी व अन्य बात यह है कि एम्स की फीस बहुत ही कम है। जब हम इसकी एनुअल फीस की बात करें तो इसमें अकेडमिक एंड अदर फीस है वो 1628 रुपीज है। इसके बाद हॉस्टल एंड अदर फीस है वो 4228 रुपीज, यानी बहुत ही कम है। अगर हम इनकी फीस का कंपेयर बाकी मेडिकल कॉलेज से करें तो इंडिया के बाकी मेडिकल कॉलेज की फीस बहुत ही ज़्यादा है। बहुत सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की फीस तो 1 लाख रुपए ईयरली है, और राजा मुथैया जो तमिलनाडु का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उसकी फीस तो 5 लाख रुपए पर ईयर है। इन सभी बातों को देखते हुए एम्स में एडमिशन लेना बेहतर ऑप्शन है। अभी इन एम्स की रैंकिंग क्या है, कौन सा एम्स कितने नंबर पर है, वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। साथ ही साथ यह भी बताऊंगा कि 2019 में एम्स वाइज कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रही है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि YouTube पर इस प्रकार का पहला वीडियो है जिसमें मैंने आपको कट ऑफ भी बताई है और एम्स की रैंकिंग भी बताई है। और मेरे को इस चैनल पर आपको इस प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको रैंकिंग बता देता हूं और साथ ही साथ कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी बता देता हूं ताकि आप 2020 के लिए अपना ड्रीम एम्स सेलेक्ट कर सकें। तो सबसे पहले नंबर 1 पर एम्स दिल्ली है। इसमें टोटल सीट 107 है। इसमें 7 सीट्स फॉरेन कैंडिडेट्स के लिए हैं और 100 सीट इंडियन कैंडिडेट्स के लिए हैं। तो इसकी जो 2019 की कट ऑफ रही थी वो यूआर कैटेगरी की एम्स रैंक रही थी 48 रैंक। इसके बाद ओबीसी की एम्स रैंक रही थी 297। एससी कैटेगरी की एम्स रैंक 1137 रही थी। इसके बाद एसटी कैटेगरी की जो एम्स रैंक रही थी वो 3031 रैंक पर सिलेक्शन हुआ था एम्स दिल्ली में कैटेगरी वाइज। तो ये टॉप इंस्टीट्यूशन है इंडिया का। मेडिकल कॉलेज से भी पहले एम्स दिल्ली में एडमिशन लेना सबसे बेहतर ऑप्शन है। इसके बाद में नंबर 2 पर एम्स जोधपुर आता है। इसमें भी टोटल 100 सीट हैं। इसकी 2019 की कट ऑफ जो रही है वो यूआर कैटेगरी की 390 रही है, ओबीसी कैटेगरी की 931 रही है, एससी कैटेगरी की 11,989 रही है और एसटी कैटेगरी की 10,709 रैंक रही है। इसके बाद में तीसरे नंबर पर एम्स भुवनेश्वर आता है। इसमें भी टोटल 100 सीट हैं। यूआर कैटेगरी की इसकी जो कट ऑफ रही थी वो 731 रही थी, ओबीसी की 1209 रही थी, एससी कैटेगरी की रैंक 12,839 रही थी और एसटी कैटेगरी की 14,247 कट ऑफ रही थी 2019 में। इसके बाद में फोर्थ रैंक पर एम्स भोपाल आता है। इसमें भी टोटल 100 सीट हैं। इसमें यूआर कैटेगरी की इसकी जो कट ऑफ रही थी वो एम्स रैंक 794 थी, ओबीसी कैटेगरी की रैंक 1267 थी, एससी कैटेगरी की रैंक 7105 थी और एसटी कैटेगरी की 12,035 रैंक पर सिलेक्शन हुआ था एम्स भोपाल में। पांचवी रैंक पर जो एम्स आता है वो है एम्स ऋषिकेश। इसमें भी 100 सीट्स हैं। यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ रही थी वो 906 थी, ओबीसी कैटेगरी की 1427 थी, एससी कैटेगरी की 11575 थी और एसटी कैटेगरी की 15,134 रैंक पर सिलेक्शन हुआ था एम्स ऋषिकेश में। इसके बाद में 6 नंबर रैंकिंग पर है एम्स रायपुर। इसमें भी टोटल 100 सीट्स हैं।
यूआर कैटेगरी की इसकी कट ऑफ 1326 रही थी। ओबीसी कैटेगरी की रैंक इसमें 2252 रही है और एससी कैटेगरी की जो एम्स रैंक है वो 19760 रही है और एसटी कैटेगरी की 21472 रैंकिंग रही है इसमें एम्स रायपुर में। इसके बाद एम्स पटना की बात करें, ये सातवीं रैंकिंग का एम्स है, इसमें भी टोटल 100 सीट्स हैं। इसमें यूआर कैटेगरी की इसमें 1563 रैंक पर सिलेक्शन हुआ था। ओबीसी कैटेगरी में 2007 रैंक पर हुआ था। एससी कैटेगरी में 20415 रैंक पर सिलेक्शन हुआ था इसमें। इसके बाद एसटी कैटेगरी की एम्स रैंक को सीट मिली थी 20528 रैंक वाले को। तो ये एम्स पटना सातवें रैंकिंग का एम्स है। इसके बाद आठवीं रैंकिंग का एम्स बठिंडा है, ये नया कॉलेज है, फिर भी स्टूडेंट ने इनको काफ़ी अच्छा प्रेफरेंस दिया है। तो टोटल इसमें 50 सीट्स हैं। यूआर कैटेगरी की इसकी जो कट ऑफ रही है वो 1876 रही है। ओबीसी कैटेगरी की जो एम्स रैंक रही है वो 2698 रही है। एससी कैटेगरी की एम्स रैंक 21412 रही है। इसके बाद एसटी की एम्स रैंक 30114 रही है एम्स बठिंडा में। इसके बाद में 9 नंबर पर, जो 9 रैंकिंग पर एम्स है वो नागपुर है। टोटल इसमें 100 सीट है। यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ रही है वो 2035 रही है। ओबीसी कैटेगरी की जो रैंक रही है वो 3102 रही है। एससी कैटेगरी की रैंक 19783 रही है और एसटी की 23431 रैंक पर सिलेक्शन हुआ है इसमें। इसके बाद 10th रैंकिंग का जो एम्स है वो गोरखपुर है, इसमें टोटल 50 सीट्स हैं। यूआर कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक रही है 2115, ओबीसी की रही है 3697, एससी कैटेगरी की 23415 और एसटी की 29547 रैंक पर सिलेक्शन हुआ है एम्स गोरखपुर में। इसके बाद में 11वें नंबर का जो एम्स है वो तेलंगाना है, इसमें टोटल 50 सीट्स हैं। एम्स रैंक यूआर कैटेगरी के लिए 2554 रैंक पर हुआ है इसमें। ओबीसी के लिए इसमें 3237, एससी के लिए 18911 रैंक और एसटी के लिए 16872 पर सिलेक्शन हुआ है एम्स तेलंगाना में। इसके बाद में जो 12वीं रैंकिंग का कॉलेज है वो है एम्स रायबरेली, इसमें टोटल 50 सीट्स हैं। इसमें जो सिलेक्शन हुआ है वो यूआर कैटेगरी की कट ऑफ रही है एम्स रैंक 2456, ओबीसी की एम्स रैंक रही है 3734, एससी की 28012 है और एसटी कैटेगरी की 21449 रैंक पर सिलेक्शन हुआ है एम्स रायबरेली में। इसके बाद में 13 रैंकिंग का जो एम्स है वो एम्स गंटूर है, इसमें टोटल 100 सीट हैं। यूआर कैटेगरी की 2730, ओबीसी की 4216, एससी कैटेगरी की एम्स रैंक रही है 23962 और एसटी की जो रैंक रही है वो 17602 पर सिलेक्शन हुआ है। क्लोजिंग रैंक रही है एम्स गंटूर की। इसके बाद में 14 नंबर पर जो एम्स आता है वो है एम्स कल्याणी, टोटल सीट इसमें भी 50 सीट्स हैं। यूआर कैटेगरी की जो एम्स रैंक है वो 3094 है। ओबीसी की जो एम्स रैंक क्लोज हुई है वो 4278 पर क्लोज हुआ है। इसके बाद में एससी कैटेगरी की एम्स की रैंक 29827 और एसटी कैंडिडेट की एम्स रैंक 32970 पर क्लोज हुआ है एम्स कल्याणी में। इसके बाद लास्ट एंड 15 रैंकिंग का जो एम्स है वो एम्स देवगढ़ है, टोटल 50 सीट्स है इसमें। यूआर कैटेगरी की जो रैंक इसमें क्लोज हुई है वो 3354 रैंक पर हुआ है।
ओबीसी का जो रैंक क्लोज हुआ है 4340 पर हुआ है, एससी कैटेगरी का 32964 और एसटी कैटेगरी का 31872 पर क्लोज हुआ है, और यही इसकी लास्ट क्लोजिंग रैंक है। जो एम्स का लास्ट एडमिशन मिला है, एम्स की रैंक का वो यूआर कैटेगरी का 3354 रैंक, ओबीसी का 4340, एससी का 32964 और एसटी का 31872 रैंक पर सिलेक्शन हुआ है लास्ट रैंक पर। तो दोस्तों मैंने आपको एम्स की रैंकिंग बता दी है, आप अपना ड्रीम एम्स सेलेक्ट कर लें और उसी के अनुसार प्रिपरेशन करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सभी एम्स का कैटेगरी वाइज नीट स्कोर का एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दूंगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक व शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अवश्य प्रेस करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ में नए वीडियो में, तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।